दोस्तों, यदि आप MK1 ड्यूअल स्टार्टर को 24 आवर स्ट्रेट लाइट टाइमर के जरिए ऑटोमेटिकली कंट्रोल करना चाहते हैं, दैट मींस जितना टाइम आपने टाइमर में सेट किया है उस टाइम पर आपके स्टार्टर ने ऑटोमेटिकली स्टार्ट हो जाना चाहिए। जैसे ही टाइमिंग कंप्लीट होता है आपके स्टार्टर ने ऑटोमेटिकली स्टॉप हो जाना चाहिए। आप यदि मोटर स्टार्टर को ऑटोमेटिकली टाइमिंग के अकॉर्डिंग कंट्रोल करना चाहते हैं तो भी कर सकते हैं। यदि आपको मोटर स्टार्टर को मैन्युअली स्टार्ट करना हो, दैट मीन्स किसी भी टाइम पर यदि आप मोटर स्टार्टर को स्टार्ट करना चाहते तो मैन्युअली भी कर सकते हैं। चले किस तरह से कंप्लीट कंट्रोल वायरिंग की जाएगी हम समझ लेते हैं। देखिए दोस्तों, ये हमारे पास MK1 स्टार्टर है जो कि 440 वोल्ट पर ऑपरेट होता है और यह टाइमर है। ठीक है, सबसे पहले हम इस MK1 ड्यूअल स्टार्टर के बारे में जान लेते हैं। यह इसका ओवरलोड सेक्शन है, यह कॉन्टेक्टर सेक्शन है और यह NVC कॉइल है। यह हमारे पास NVC कॉइल 440 वोल्ट पर ऑपरेट होती है। देखिए यहाँ पर हमें इनपुट पावर सप्लाई, यदि आपके पास थ्री फेज की मोटर है तो यहाँ पर RY भी आपको कनेक्ट करना होता है। यहाँ से RY भी आपके मोटर टर्मिनल पर जाते हैं, यह आउटपुट सेक्शन है। यह इसका NO पॉइंट है, जिस तरह से कॉन्टेक्टर में होल्डिंग के लिए एक NO पॉइंट होता है, इसी तरह से यहाँ पर एक NO पॉइंट दिया गया है। यह हमारे पास एक स्टार्ट पुश बटन है जिससे हम मोटर को स्टार्ट कर सकते हैं, और यह स्टॉप पुश बटन है जिसके जरिए हम मोटर को स्टॉप कर सकते हैं। यह ओवरलोड रिले की रेंज, यदि हमारी मोटर का जो भी एम्पेयर हो हम यहाँ से सेट कर सकते हैं। देखिए यह हमारे पास NO पॉइंट होता है। क्या होता है, यहाँ पर हमने फेस कनेक्ट किया है, जैसे ही इस बटन को प्रेस किया जाता है तो यह NO NC बनता है और यहाँ पर सप्लाई पास होती है। यह NC टर्मिनल है। ठीक है, तो एक कनेक्टर हमने NC में NO से कनेक्ट कर दिया, यहाँ पर कंटिन्यू सप्लाई आ रही है और NC से हमारी NVC कॉइल डायरेक्टली ऑपरेट हो जाती है। ठीक है, तो एक फेज़ हमने यहाँ से दिया है और एक फेज़ हमने डायरेक्ट कनेक्ट किया है। एक फेज़ देखिए, हमने जैसे ही पुश बटन प्रेस किया जाएगा तो यहाँ से कंट्रोल होकर हमारा यहाँ पर NVC कॉइल में आएगा और एक फेज़ यहाँ से डायरेक्ट आ जाएगा। तो इस तरह से दो फेज़ हमारे इस MK1 ड्यूअल स्टार्टर में आते हैं। यदि आप इसका डिटेल वीडियो देखना चाहते हैं तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, जहाँ जाकर देख सकते हैं। यह होल्डिंग कनेक्टर हमने कनेक्ट किया है। होता क्या, जैसे ही कॉन्टेक्टर ऑपरेट होता है तो यहाँ से इसका कॉन्टेक्ट NO के इनपुट से होता है, और यहाँ से देखिए NO के इनपुट से हुआ तो यहाँ से यहाँ सप्लाई आएगी और यहाँ से हमारा कॉन्टेक्टर होल्ड हो जाता है। यदि आप इसको डिटेल में सीखना चाहते हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। चलिए अब हम इस 24 आवर मैकेनिकली ऑपरेटेड टाइमर के बारे में जान लेते हैं। देखिए दोस्तों, ये हमारे पास एक मैकेनिकली ऑपरेटेड 24 आवर टाइमर है। सबसे पहले इस टाइमर में हमें टाइमिंग किस तरह से सेट करना होगी समझ लेते हैं। देखिए, आपको ऊपर के डायल पर आवर दिया गया है, 1 आवर से लेकर के 24 आवर। अभी टाइमिंग देखिए 10:12 हो रहे हैं, तो जो भी आपका आवर है उसे आपको अपर डायल में ऊपर की तरफ सेट कर देना है। चलिए अभी हम 10 सेट कर देते हैं। देखिए 10 सेट यहाँ पर हो गया है निशान पर। आपको मिनट, देखिए जो नीचे का जो डायल दिया गया है यहाँ पर आप मिनट सेट कर दीजिए। देखिए यहाँ पर 10 सेट कर दिया है। फॉर एग्जांपल आपको 10:20 सेट करना है या 10:40 सेट करना हो तो देखिए आप इसे हल्का सा रोटेट कीजिए, 10:40 हो गया। 10:50 सेट करना हो तो मिनट की जो रेंज है उसे आपको जो बॉटम वाला डायल है यहाँ पर सेट कर देना है। देखिए टाइमिंग सेट हो गया है। अब यह टाइमर जैसे ही इसमें सप्लाई कनेक्ट की जाएगी ऑटोमेटिकली रन करता रहता है। इसमें एक बैटरी दी गई है जिसके ज़रिए हमारे टाइमर का टाइमिंग कंटिन्यू रन करते रहता है। ठीक है, यह तो हमने अभी देखा कि टाइमिंग किस तरह से सेट की जाती है। अब देखिए यहाँ पर आपको डिप स्विच दिया गया है। यदि आपको सुबह 5:30 बजे से लेकर के 8 बजे तक कोई मोटर को रन करना है 5:30 to 8 तक, तो वहाँ पर आप डिप स्विच को नीचे की तरफ कर दीजिए। डिप स्विच जहाँ पर नीचे रहेगा आपकी मोटर ऑटोमेटिकली उस टाइम पर कंट्रोल होगी। यदि आपको शाम को 6 PM से लेकर के 8 PM तक मोटर को रन करना हो तो भी आप टाइमिंग सेट कर सकते हैं। यदि आपको दोपहर में या फिर आफ्टरनून में मोटर को रन करना है 12 से लेकर के 2 बजे तक, तो आप यहां पर देखिए इस तरह से डिप स्विच को नीचे की तरफ कर दीजिए, आपका टाइमिंग यहां पर सेट हो चुका है। आपको जिस भी टाइम पर मोटर को स्टार्ट स्टॉप करना हो आप डिप स्विच को वहां पर नीचे कर दीजिए। कनेक्शन काफ़ी सिंपल है, 7 और 8 में आपको 220 वोल्ट सप्लाई देना है मोटर को ऑपरेट करने के लिए।
टू नंबर पॉइंट कॉमन दिया गया है, टू के साथ वन एनो पॉइंट है और थ्री एनसी पॉइंट है, तो हमें वन नंबर पॉइंट का यूज करना है। इस टाइमर के जरिए आप 16 एम्पियर तक के किसी भी लोड को कंट्रोल कर सकते हैं। 16 एम्पियर से ज्यादा कोई लोड हो तो फिर आपको वहां पर कॉन्टेक्टर कनेक्ट करना होगा। चलिए कनेक्शन जिस तरह से ड्रॉइंग में दिए गए थे उसी तरह से कनेक्शन हमें कर लेना है। 7 और 8 नंबर पॉइंट में हमें फेज और न्यूट्रल कनेक्ट कर देना है। 2 नंबर पॉइंट इसका कॉमन है और 1 नंबर पॉइंट इसका एनो है, 3 नंबर एनसी है, तो हमें 2 और 1 का यूज करना है। चलिए अभी हमने इनपुट पावर सप्लाई कनेक्ट कर दिया है। देखिए 3 फेज सप्लाई हमने स्टार्टर में कनेक्ट कर दिया इनपुट पावर सप्लाई। जैसे ही हमारा स्टार्टर स्टार्ट होगा तो यहाँ से सप्लाई हमारी मोटर में जाएगी। चलिए हमने आर वाई भी अभी 3 फेज कनेक्ट कर दिया, न्यूट्रल के लिए यह कनेक्टर हमने कनेक्ट किया है। चलिए किस तरह से कंप्लीट कनेक्शन होगा हम समझ लेते हैं। देखिए हमें इस मोटर स्टार्टर को ऑटोमेटिकली टाइमर के द्वारा कंट्रोल करना है, तो सबसे पहले यहाँ पर हमने जो मैनुअल कनेक्शन था उसे रिमूव कर देना है। देखिए होल्डिंग सप्लाई को रिमूव कर दिया है। यहाँ पर देखिए जो एनो टू एनसी कनेक्टर था रेड कनेक्टर, इस कनेक्टर को भी रिमूव कर देना है। आप देखिए हमारी इनपुट पावर सप्लाई सबसे पहले एनो के इनपुट पर आई है, ठीक है, जो कि मैनुअल कनेक्शन था, बट हमें यहाँ पर मैनुअल कनेक्शन नहीं करना है। जो मोटर स्टार्टर उसे टाइमर के जरिए ही कंट्रोल करना है, तो एनो से हमने कनेक्शन यहाँ से रिमूव कर देना है और इसे जो ओवरलोड रिले का एनसी पॉइंट है एनसी पॉइंट में कनेक्ट कर देना है। चलिए एनसी के इनपुट पर कनेक्ट कर दिया है। एनसी के आउटपुट से यहाँ हमारी यह कॉइल ऑपरेट हो रही थी, तो इस कनेक्टर को भी अभी हमें रिमूव कर देना है। चलिए इस कनेक्टर को भी रिमूव कर देना है और यहाँ पर हमें एक कनेक्टर कनेक्ट करना है क्योंकि हमें स्टार्टर को टाइमर के जरिए कंट्रोल करना है। तो चलिए यहाँ से एक कनेक्टर को हमने लिया है और इसे हमारे जो टाइमर का 8 नंबर पॉइंट जहाँ हमें फेज कनेक्ट करना है फेज कनेक्ट कर दिया है। देखिए एनसी से डायरेक्ट सप्लाई हमारे टाइमर में आई है, न्यूट्रल हमें 7 नंबर पॉइंट में डायरेक्ट कनेक्ट कर देना है, तो न्यूट्रल को हम डायरेक्ट कनेक्ट कर देते हैं। चलिए अभी हमें क्या करना है, जो कॉइल है 8 नंबर पॉइंट यहाँ से हमें एक कनेक्टर लेना है और इसे 2 नंबर पॉइंट जो कॉमन है कॉमन में कनेक्ट कर देना है और जो 1 नंबर पॉइंट है एनो पॉइंट, एनो से क्या होगा जब टाइमर ऑपरेट होगा तो 2 की सप्लाई 1 में आएगी और इसे ले जाकर कॉइल को ऑपरेट कर देना है। कहने का सीधा सा मतलब है हमारे पास जो फेज वायर है वो टाइमर के जरिए कंट्रोल होकर आएगा। चलिए ऑपरेट कर देख लेते हैं। अभी हमने इनपुट पावर सप्लाई ऑन कर दिया है, अभी हमारे टाइमर का टाइमिंग स्टार्ट हो चुका है। इसमें एक मोटर अंदर कनेक्ट है, जैसे ही टाइमिंग आपने जो सेट किया है उस पर आती है तो आपका मोटर स्टार्टर ऑटोमेटिकली स्टार्ट हो जाएगा। जितना टाइम सेट है उतने टाइम तक रन करेगा, टाइमिंग कंप्लीट होते ही आपका मोटर स्टार्टर ऑटोमेटिकली स्टॉप हो जाएगा। यदि आपने अदर कोई टाइमिंग सेट की है तो अदर टाइमिंग के हिसाब से भी आपका जो स्टार्टर है वो ऑटोमेटिकली स्टार्ट होगा। जितना टाइम सेट है उतने टाइम तक रन करेगा, टाइमिंग कंप्लीट होते ही स्टार्टर स्टॉप हो जाएगा। आप इसमें मल्टीपल टाइमिंग सेटिंग कर सकते हैं, जितनी भी बार आप दिन में मोटर स्टार्टर को स्टार्ट स्टॉप करना चाहे कर सकते हैं। अब यदि आपको मोटर स्टार्टर को टाइमर के अकॉर्डिंग कंट्रोल नहीं करना है, आप जब चाहे जब आपको स्टार्ट करना है तो आप देखिए यहाँ पर इस स्विच के जरिए मैनुअली भी मोटर स्टार्टर को जब भी चाहो मैनुअली भी स्टार्ट स्टॉप कर सकते हैं। तो आप इस स्ट्रेट लाइट टाइमर के जरिए किसी भी लोड को ऑटोमेटिकली भी कंट्रोल कर सकते हैं और मैनुअली भी कंट्रोल कर सकते हैं। आई होप आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ हो। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक का बटन ज़रूर प्रेस करें, कोई डाउट हो तो कमेंट्स में ज़रूर पूछें। सो आज के लिए इतना ही, थैंक्स फ्रेंड।